अभी मैं इसको क्या करूँगा, इसको अब लोग खोल रहे हैं, इसको खोल के देख लेते हैं क्या पोजीशन है। आधा पक गया है, आधा ये हो गया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मिलाएंगे, और मिलाने के बाद देखिए नीचे में जो है थोड़ा थोड़ा तेल भी जमा हो गया है। और जो है इसको आप लोग इसको जो है फिर से हम मिला देंगे। जितना बॉयल करना था हम लोग बॉयल कर चुके हैं, और इसमें हम लोग और बॉयल करने का नहीं है, हम लोग को इसको अभी फ्राई करना है। फ्राई करने से देखिए इसमें से तेल निकलेगा, जो अभी दिख रहा है आपको, ये देखिए जो है आपका यहाँ पर जो तेल जो है ऑटोमेटिकली इसके अंदर से ही निकलेगा। यही जो है, यही जो तेल निकलता है, यही इसको जो है चिकन को स्वादिष्ट करता है। तो आपको इसको जो है थोड़ा सा बढ़िया से ये करके इसको से तेल जो है निकाल लेना है। इतना सा ही काम करना है इसके लिए, और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। तो इससे आपको तेल बढ़िया से निकालना पड़ेगा। देखिए अभी इसमें से अच्छा खासा तेल निकल गया, इसका कलर भी आ गया है बढ़िया से। देखिए इसमें जो है इसका जो है स्मेल भी आना चालू हो गया है। शायद आप लोग को मिल नहीं रहा है, लेकिन मुझे तो बहुत सुंदर से स्मेल आ रहा है। अब इसको और थोड़ा सा पकने देते हैं। इसको पूरा तरीके से इसको फ्राई करने देना चाहिए। फ्राई कर दिया, अभी देखिए इसका ब्राउन कलर हो गया है। इसको जलने नहीं देना है, खाली इसको ब्राउन कलर कर देना है। अब देखिए इसका ब्राउन कलर हो गया है, इसमें हमको अभी पानी मिलाना पड़ेगा। जैसे हम लोग इसमें पानी मिला देंगे और इसको फिर थोड़ा देर के लिए पकने के रख देंगे। मैक्सिमम पकाई तो हो ही गया है, बस इतना थोड़ा सा दे देने से, बॉयल कर देने से आपका ये जो है बन जाएगा। अब इसमें हम पानी डाल दिए है जितना आपको ज़रूरत है। अब इसको बढ़िया से मिला दीजिए और इसको बॉयल करने के लिए रख दीजिए। हो गया, अब इसको ढकने देना पड़ेगा और इसको ढक दीजिए।